छतरपुर शहर में आज दोपहर 2 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रोड शो में भाग लिया। तत्पश्चात रामचरितमानस मैदान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि छतरपुर शहर की जनता विकास के लिए भाजपा को आशीर्वाद देते हुए विजय बनाए। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद चुस्त दुरुस्त नजर आई। सबसे पहले छतरसाल चौराहे पर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री का ऐतिहासिक स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि छतरपुर नगर के विकास के लिए भाजपा के सभी पार्षद प्रत्याशियों को बहुमत देकर जिताए ताकि विकास की रफ्तार बनी रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और आम नागरिक मौजूद रहे। लाख रुपए की राशि छतरपुर को दी। आज पेयजल टंकी, 380 किलोमीटर पाइपलाइन, एक नहीं अनेकों काम विस्तार में नहीं जा रहा। और आज इस मंच से कहकर जा रहा हूं, अमृत 2 योजना में अकेले छतरपुर को 257 करोड़ 17 लाख रुपए की राशि देने वाला हूं। पूरी योजना बन गई। नगरोदय मिशन के अंतर्गत छतरपुर के विकास के लिए, और राजेश शुक्ला चिंता मत करना, वहां भी देंगे बिलावर में, नहीं तो सोचो छतरपुर में ही दे रहे हैं। बड़ी देर करी न मिलाना, बहुत देर बाद आए तो, लेकिन विकास के लिए भावी का सभी छोड़ेंगे। वैसे ही स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास के अंतर्गत, BRGF के अंतर्गत, अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत आपने छतरपुर के विकास को अपनी आंखों से देखा है। मैं आज उस पर विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। आपने देखा यहाँ मेडिकल कॉलेज भी हमने बनवाया, और मेडिकल कॉलेज के साथ साथ हमने जिला अस्पताल का भी कायाकल्प करवाने का काम किया है। आज सुंदर आपका जिला अस्पताल बनकर तैयार है। नवीन आदर्श महाविद्यालय के निर्माण के काम के लिए भी 8 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि आई। एक बार आप देखो, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने महाराज छत्रसाल की नगरी को सजाने और संवारने का काम किया है। छतरपुर से भारत यादव की रिपोर्ट।